सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस वापस स्वागत है बने वीडियो में, और इसी के साथ लोग आपका स्वागत है। तो गाइस मेरे पीछे ये पहलू वापस से आ गया है, और अभी हम लोग, आप लोग देख सकते हो, हम लोग हैं मीठापुर नहीं, कहाँ है भाई, कुरथौल पटना सिपारा। अभी वहीं घूम रहे हैं गाइस, संडे है तो ऐसे ही संडे को निकल चुके थे मंडे करने के लिए। दिखाते हैं आप लोगों को गाइस हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। और अभी फ्लाईओवर का काम यहाँ चल रहा है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। दिखाते हैं गाइस। A few moments later, चेक करो गाइस, ये जो फ्लाईओवर होने वाला है इस बार मीठापुर से डायरेक्ट मसौरी के तरफ जाने वाला, परसा होते हुए उथौल होते हुए सीधा, तो करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा ये पुल होने वाला है गाइस। चेक करो पुल का लंबाई, डिज़ाइन चेक करो भाई, कितना खतरनाक बना है भाई साहब, मजबूती के साथ सुरक्षा विश्वास भाई साहब, पुल है, पुल का तो खतरनाक बन गया है भाई। और हम लोग अभी जा रहे हैं पटना की ओर, आए थे कुछ काम से, और फिर देखिए ऊपर भाई साहब, ये रेलवे ट्रैक है गाइस, इधर रेलवे का ट्रैक है, सामने आएगा रेलवे घूमती जो कि कुछ दूरी पर है, आप लोगों को दिखाएंगे कितना देर में आ रहा है। नहीं, आप लोग सोच रहे हो कि हेलमेट दिख रहा है बोल के, हाँ हेलमेट गाड़ी में, उतना टेंशन क्या लेना है भाई, रोड खाली है, आराम से चल रहे धीरे धीरे बिना हेलमेट के। सेफ्टी ज़रूरी है आई नो, लेकिन अभी कोई नहीं है तो रोड सेफ्टी टेंशन नहीं है। टीवीएस राइडर निकल चुका है बगल से, और आप देख सकते हो मच्छी बाजार है, ये मच्छी बाजार, कच्छी बाजार इसी को बोलते हैं, कच्छी बाजार। और ये सुनहरा मौका है आप लोगों को, आइए घूमिए पटना, देखिए कितना खतरनाक मौसम बना है, एक नंबर लग रहा है। चचा भी सिलेंडर लेके निकल चुके हैं, अच्छा लग रहा है ना गाइस, रास्ता है भाई मसौरी वाला, परसा नदमा सब इसी रोड से आता है। और ये फ्लाईओवर जब बन जाएगा तो एक आसान सा रास्ता हो जाएगा लोगों के लिए, लोगों के आवागमन के लिए बहुत ही आसान सा रास्ता हो जाएगा, जिसको मीठापुर से डायरेक्ट परसा जाना हो, बोठौल जाना हो, पहुंच जाएगा सीधा ये फ्लाईओवर लेके। और हमारे सामने गुमटी आ चुका है गाइस, आप लोगों को दिखा रहे हैं गुमटी, हम लोग पहुँचने वाले हैं रेलवे गुमटी, जिसको रेलवे फाटक भी बोलते हैं, चिंचोली फाटक के बजाय रेलवे फाटक, समझ सकते हैं आप लोग। अब लगता है कि दिक्कत होगा, चलिए देखते हैं कहां तक साथ निभा सकते हैं, एक हैंडल से मतलब एक हाथ से पार ही कर लेते हैं, क्योंकि सामने स्कॉर्पियो आ रहा है, दिक्कत में पड़ जाएंगे। और गुमटी खुला हुआ है गाइस, इससे पहले कि गुमटी बंद हो जाए, ये रहा गुमटी, गुमटी हम लोग पार कर गए, देख लीजिए यही है गुमटी, सिपारा गुमटी इसको बोलते हैं हम, पारा गुमटी। यही है पटना सिपारा मोड़, ये ऑटो स्टैंड, और ये है इधर अनिसाबाद, मीठापुर, फुलवारी, सब ये रास्ता जाता है, और ये जाता है सिपारा गुमटी, परसा नदमा मसौड़ी तरेगना धनरुआ सब यही जाता है। ये ट्रेन पास किया भाई साहब, ये है पटना गया लेन पैसेंजर, देख रहे आप लोग मेरे सामने जा रहा है, इतना खतरनाक भाई साहब, देखो गाइस, इन्होंने खड़ी घुमा दी,